प्रिया ए ए प्रिया प्रिया ए पानी दे गुट मिट्टी सासे कौन जुड़दा ए गुट पानी मनानू आया करके दे दे छाले हो गए माँ उड़े तभी चाल क्या ही होगी दौड़े रसोई तक कौन रह गए तेरे पे भीतर तो मैं उठ के आऊं पानी देने ये तो चल लिया को नहीं गया के जुलम आ गया के बात उड़े तो उड़ के आई है धीरे धीरे चल के आई बैठती फिर धीरे धीरे रसोई तक पहुंच जा रहे फिर तन्न कौन देना मां तू परेशान ना करया कर घर के और भी बतेरे काम हो जाए हैं आए और के पड़ोसियां न करन जाऊं परेशान मेरे नू तो क्यों करे परेशान मैं नू वो जुई बात पर चल ले तेरे ए चल ले तो मैं आपे ले लूं और तन्न क्या न परेशान करूं के बात मां बाहर किस तरह घूम ले है तू बैठी मेरा सांस कौन जुड़ता देव तो मैं बोल पड़ी तो सांस कौन जुड़ता ए देव तो दे दे तेरे बोल दे मेरे तो मैं पसीना आओ देखी अच्छा बहुत घनी बोल काम में कर लिया करिस तो बढ़िया ये दिन दे सुखता कौन ही हो सांस है दुखी करे ले है क्यों हो गया के कर रही भाई देख ले पानी घूट मांगी नु आ करके दे दे इतनी जोर तो बोलने की जरूरत है मैं भी तर काम लाग रही थी एक गिलास पानी देने भी तरता हूं काम छोड़ के अपना क्यों ईसा के बनाओ तू हीरे मोती चढ़ाएगी भीतर फिर क्यों माऊ रे मोमबत्ती बनाओ के मां भी तो लेस का पानी अरे मां के सांस की बीमारी है चार दिन चले बंदा तन वेरा आता हूं बाहर किस तरह घूम लेनु को नहीं समझ में आता और डांगरा लंग गई मजबूरी है उड़े तू जाओगी और रहोगी बता मनु देख ली थी ईसा ना है मां का देव इतना काम करके मानस पे एक गिलास पानी ना पिया जा ए वा उनकी जोटी बढ़ रही थी मारनी कदे मार करे डांगरा ने जब गई थी सांस चढ़ के साले पट रे तेरा के इतनी बोला है और मां दुखी हो रही है तेरे ताई बीच में बोलन की किसने कही है शर्म बरतरी हूँ साकी देवर को तो मेरा जो जी करेगा वो बोल देगा मेरा कितनी शर्म बरता है वो तो साकी होगा इसका इसकी बरता शर्म है इसका क्या बोलना है चुप हो जा मुंह बंद कर ले हाँ एक तेरा मुंह है तू ये बोले अरे मुंह बंद कर ले अरे क्यों देख चुपचाप बैठ जगह शर्म कौन आवे सही बताऊ सारी तेरी कमी है तो माँ की सेवा ना करती फिर वो तो बता दे कमी तो सही अरे कहने लाग रहे और केक रूम मार तार में उसकी आराम चुपचाप बैठ गया या देख माता ऊपर खड़ी है कमाल का आदमी है तू या मेरी बहू होगी ना जब दिखा दूंगा तने कुकर बोल लिया करे कमाल का आदमी है भाई हद हो गया तू के सोचा मैं कौन हूं तू बोल चुपचाप तो बैठा है अरे कहने लाग रहा मां की सेवा ये भी घणी बार होगी बिना पानी जी कौन लिकड़या ले काट दे तो जी सुन ले भाई अरे क्यों बेइज्जती करने वाली हम खड़ा बेइज्जती क्यों थी ये छोटे मोटे काम तो कर सका है खुद के हाँ सही का बड़े काम कर गया भाई तेरे तैयार उम्मीद नहीं थी बेटा मैंने तू इतना इसका गुलाम हो जाएगा अरे मैंने मार गिर हो तू मैं किसी बात कर मैं क्या गुलाम हो गया तो खुद करने ला रहा हूँ तेरा मुँह है मुँह कि मैं गुलाम कोनी पैर दाबा गा ना तेरा मानना का गुलाम हो तेरा मुँह है मुँह अरे मैं कहने लग रहा माँ की सेवा करया कर सारी बात कहने लग रहा हूँ क्यों भाई तब बहुत गुंडा है मसूद तो शाना है माँ का उसका का उसका ये बात करके नौटंकी भीतर जाएगा और चुपचाप प्यार तो बात करेगा उससे गलती मांग लेगा यो काम है तेरा भाई। इसने चार बात बोल दी फिर तेरे मुंह में जबान नहीं आई अब तू क्या बोला माना क्या बोला माना मना तीन पर कही पानी दे दे और क्या बोल लू माँ पानी दे तू करके दे देता था तो मैं तो दे दूंगा मैं नटू मां दे देगा गुलाम हो लिया असली दे के इसकी बात हम ना मां ठीक है रंडा मलंग अरे यो अच्छा मेरा पेट का ना तो भी अच्छा तेरे तो ब्याह ना इसका रंडा मलंग है चल आजा मेरा क्यों मेरे जी काट मेरा बोल लिया कौन जानता ब्याह बाद है कोई बात ना भाई तेरी गलती कौन है ले आऊं मां जी ले कर रहा मेरा ले दे जार ले दे घोड़ के ने बेटी मैं कराऊंगी घेर का पट गया बेटा मैं तो तेरे घर सरक लूंगी तू दे दिए मन तो रोटी भाई मन तो दो रोटी चाहिए प्रिया बेटा रोटी गाल दे बेटा भूख लग रही काका देखो ये बात दोपहर हो चुकी मैं कहना कौन चाहूं थी पर मन मजबूरी में कहना पड़ रहा है अरे इतने तो थम भी समझदार हो थमने समझना चाहिए कि परिवार बढ़ गया तो अपना आप पे न्यारे हो जाने चाहिए मारे मारे खसवाने हो रहे हैं मेरे पे इनकी ना बनती मैं थारे के ऊपर पूरे पाड़ूंगी नु बताओ तो बेटा मैं भी तो परिवार का सदस्य हूं और इवे तो दोनों भाई सिर में रहने लग रहे हैं नु तो सारा कुण का सदस्य ही होया करे नु तो काका ताऊ न्यारे हो रहे ये भी सदस्य हैं फिर सारा का मैं ठेका ले लूं के नु बता दियो बेटा दो रोटी गालन में जोर आ उतर काका गालन में जोर कौन आ रहा बनाने में जोर आ रहा है अरना मैंने बनाई ठीक से बेटा हां अपनी बना ले और खा लो के कहो फिर रोटियां ही कहूं था पर ये बना के रोटी ना बनाई मैंने मां
ये तो क्यों जितन ला रही, क्या तो कौन बनाई बेटी? आगे तो पड़े बनाऊंगे और खाऊंगे माँ, नहरे घर के नहरे बाद में। ये किसी बात कर रहा है, तेरी काकी कौन ही कौन बनाओगा? तेरी काकी कौन ही तो क्यों होगा, वो अक्षय बराबर का हो रहा है, लाग बनो। ए तन शर्म नहीं आंदी अक्षय का बनाओगा रोटी, दिन में भी बेचारा ना कच्चे पके चावल रांद के खाए थे। मैं तो उसकी कहती ना, मैं तो कहूँ बनड़ी लिया उसका क्यों ना लाते, तो पकी पकाई मिलन लग रही है बेटा। टाइम होने पर मिला कि जब बे होया करे नु एक हथेली पे गंदरी वो माना दिखे आगा का नु ना सोचो मैं बावली हूं बेबे मेरे तो गए टूट और तू ही भी और उलाना करवा दे रोटी देने जोगे भाभी जिम्मे उलाना कोनी कोई बात को रतम मेरे मारे लड़ो मन्ना। हां ठीक से काका, कोनी लड़ा हम ना देवर, मैं बनाऊंगी खिचड़ी दलिया की में ना देओगी तो इसकी इतनी थोड़ी चाला रोटियां तो ना देगी। सबे पते तो पानी कौन पिया गया, मैं उठ के एक खिचड़ी दलिया बड़े जल्दी बना देगी। भूखे मार दू काम करे सारा दिन पड़ोसियां करे है भाभी रोटी सेकनिया कोनी, इतना कोई बहू नहीं आ लेने छोर कर, हम इतना रोटी बना की मैं खुद दूंगी भाभी ना। मन मैला करने की बात कोनी, मैं की मैं खिचड़ी दलिया चढ़ा दियो अक्षय कर ये जब तेरी कोना रहती आ संग कोई ना, मैं मरी तो कौन ना जी हूं पे सावन, एक गोली और ले लूंगी। ठीक है, आज टाइम माड़ा आ रहा है, भुआ की बाट ना देखो। एक रोटी गाल दी। हाँ एक के गाल दे। भाई उरे ना जा। कितना चिंता बैठा है? कुछ नाम मतलब रोटी आई बाट देखो तब बाबी रोटी गाल मांग रही है। अच्छा की बात रोटी बाबी गाल है, बढ़िया खड़ा की अपने प्रिया। भाई तनासी लड़ बेरा है, जिसी भी इतनी तरह ले रखी है वाके टाइम पर रोटी खवा देगी। भाई गलत है भी गाद है, देखने खातर मने एक नो आना किस तरह दे है। मने तो नाटी थी भाई, उनका घर परिवार का माहौल जब देख लिया था मने, पर तुम मानने को ने मेरा ना क्या मैं लुब गया दहेज में। अपन भाई ना देश का लोग था ना गाड़ी घोड़ा का लोग था, तने खुल के बताई को नहीं मेरे तय इस तरह तू जीव दा बोलना करे। ठीक से भाई, जो होगी होगी, मैं तन्ने के दोस्त हूँ और तू मन्ने के दोस्त देगा। कोई बात कोनी, के बात होगी, तेरी भाभी रोटी गाल देगी, खा ली अपने अपने घर का नहीं चला जी, अपने रोटी खा के बालक से समझाऊंगी। अच्छा मैंने को था खेत में बाड़ लगवानी है तो कम पैसे दे दिया सामने। ठीक है ले जी, तन्ने भी ले जी, और सवेर मजदूर तीन चार मजदूर ले जाके ना और बाड़ लगवा दी बड़ी अच्छी तरह, और मैं भी गेल चल लूँगा। मैंने कहूँ था अक्षय ने भी ब्याह दियो है, कई दिन हो लिए ब्याह की उम्र हो रही होगी। भाई देख बढ़िया सुथरा है बालक देखांगे और खानदानी बालक देखांगे, कदे इन की तरह फिर वो जूते पड़े। ठीक है, की बतीसा काम क्यों करा रहे हैं? अपना एक दोस्त है महेंद्र, उसे जिक्रा कर रखा है भाई, एक बढ़िया लड़की देख अपने को संस्कारी। मैं क्या देखूंगा भाई, बड़ा तू है, तू ही देखेगा जो ना। मैंने जिक्रा कर रखा है, बाकी थोड़ा माहौल घर का खराब होता जान लग रहा भाई, थोड़ा ध्यान दे ले। कोई बात को नहीं, मैं आज करूँगा बोडिया से बात करूँगा और कुलदीप से बात करूँगा। ठीक है, ठीक से आदरी भाभी ने खर्च कर लूँगा, क्या बात से? ना ना भाभी तो मैं ना कहती बेचारी, बताऊँ मैं पहले पे मार रहे हैं उसका काम को नहीं बोडिया समझान का, क्या बात से सर? भाई अगली ना ही मानती होगी फिर मान जी, मेरा तो मुँह फूक दे, ये बोडिया ने उन्होंने करने लग रही है। कई बात ऐसी हो है जो लोग ये बीच में रह भाई, खाम का पंगा घना हो जाएगा। अरे कुलदीप है कि दौड़ना पड़ रहा है? कुलदीप है? हाँ वो बेटा उतरा था तमूल टका बैठा था, आज दो रोटियां की कही थी, आज दो रोटी बोल जाते क्या फर्क पड़ा था? अरे तू भी समझा सके था, दो रोटी मैं पूंगा बाबू कह दी और किस तरह का आगरा है। अरे बेटा 30 साल थे तेरी वहाँ रोटी पोक देना हरी पूरा गुणबन है, उसे क्यों मिलना होया और दो रोटी पोता क्या जोर पड़ा था उसके? बाबू क्या कहूँ, कितनी बार कह ली जवाब दे दे शामी, होना हो मेरे पे इतना गुणबा काम, हर वो लग रहा है अपना अलग बना खा लेंगे, जोर पड़ा उनका। मैंने कह दी मेरा चाची को नहीं और न शौक को नहीं, अरे खाने का मजबूरी है समझ, इस बात ना मैं सबकी मजबूरी समझ समझ थक ली, मेरे बस की बात मैंने साफ जवाब दे बता क्या कहूँ। बेटा समझा दे, 5-4 महीने की बात है, अक्षय रिश्ता कर देंगे तो वो बढ़िया बालक देख के सारी बात मेरा बाबू उन्हें पढ़ूनी वहाँ नाच खावा है, लेकिन जान बुझ के सब नाग मैं कौन कहता कि मैं सिर तो फोड़ नहीं सकता उसका,
बाकी मन कसर छोड़ी उन कहना मैं बेटा 30 साल हो गए तेरी माँ ने कान भी नहीं मारती बेटा तेरे बयान 2 साल हो गए हैं सब क्यों नारा क्या करना है एक बताऊँ बाबू 30 साल हो गए ना माना है और कौन बोलती तेरे शामी तेरी काबिलियत हूँ नहीं या माँ की खूबी है अपने घर की इज्जत देख के चल रही है जो अपना पिछन देखे ना तोड़े सांस कौन पाट दी अच्छा कोई मतलब अपने परिवार तय क्या बोलने लग रही है लुगाई किसी बस की कौन बाबू ये बहम हो खाली तो मानना हो शर्म इज्जत तो मानना है अपना बेटा समझा इन्हें बात बना कौन ठीक समझ के तो बुला दे तू समझा दे बाबू प्रिया क्या तेरी मान ले बाबू कह की मैं सुन लिया हाँ बेटा तेरे काका ने दो रोटियां कही थी तेरे दादा जी कही थी फिर क्या बात होगी दो रोटी नहीं पो सकती बात क्या होती बाबू कब तक पोंगी नू बताओ कितने साल हो गए उन्दे कोने 2 साल तो हो गई भी कोनी है 2 साल में तो नहीं खेल खिला दिया खेल के खिला दिया बाबू थारते थोड़ी नट्टी हूं मैं मुंडा दिखाओ थोड़ा मुंडा खेले जमाना ना शामी हो गई जमा शर्म भी हो थोड़ी बहुत कोई थारते नाटकी के बाबू मैं नू बता दियो बेटा उस तरह रोटियां नाटकी और मेरे तो नाटकी एक के बाद से मेरी नजर में तो एक बात सही कोने बाबू बाकी थमकी में भी सोचे जाओ बेटा ये संस्कार दी थे तेरी माँ ने देले बेटा तेरे सामने भी मेरे सामने के बाबू मन तो सारी बात ताली थारा सामने देखो संस्कार के करेगा बाबू इन मैं गलत के कहूँ कब तक करूंगी इन्हें बता दियो को कितने दिन हो गए करते करते काल में उनका बन्नो आ जाएगी ना एक दिन भी तुम करेगी मैंने बेरा उस बात का अच्छा पत्रा का डतन बेरा बाट क्या पहले आ गया ना था पीरियड भरा क्या से ना तो मैं दिखाऊंगा करवा के सेवा तूनू का करा कोनी क्यों आ तो दिखा देगा करवा के कोई बात ना फिर बाबू उनका सिर रह लेगा ना 20 30 साल हो गए दादी बन गई तू 2 साल में घूंघट की कह ली है नू कर ले थोड़ा करके बात कर ले वो कोनी होता है रोटी बना खो परामठे तू यही फालतू बात करने बुलाई थी कि ये फालतू की बात से ले तन वो समझा देस ना समझा लिया ये कोनी मान तो जा ना समझ गया चल समझ गया बाबू समझ गया आ जा बाबू चल भाई बात नहीं है ना समझ माय की बाबू कोनी मान के सी गया लुगाई के सी ना हमदी देख मेरी बात सुन तन वे 3-4 दिन करना है और तन ने घर के लता वीरा कोनी ये मेरी भाभी है ने एक नंबर की चंडाल है इसने सारे घर के अजीण आराम कर रखे हैं काम काज लगांदी कोनी और बैठे आराम तक खा ले हैं मस्त रहे अपना बनाया खुद खाया और बाढ़ में जाओ यो काम इसका और तेरे तमन बसिया ये उम्मीद है कोई शिकायत का मौका ना दिए कोई बात को नहीं तुम चिंता ना करो हर मन बेरा है घर के क्या हालात चल रहे हैं इतनी पागल थोड़ी हूँ मैंने 4 दिन हो गया देखते आने जैसा उसका व्यवहार है ना बहुत अच्छे डर देखने लग रही हूँ हर काम की उड़ता तुम कोई चिंता ना करो काम तो मैं घर ने भी कराया करती पूरे भी कर लूँगी तन मेरा है धन्यवाद बोल के जो मेरा घमंड था मेरे भीतर कि मेरा ब्याह होगा जब दिखा दूंगा और ऊंचा कर दिया तने मेरा तो डर रहा करता कदे कभी इसी आ जा भाभी तो भी 2 चंदे ऊपर हो ना ना किसी बावली बात करने लग रहे सो हर तारी इज्जत मेरी इज्जत से इस बात पे तुम कदे चिंता ना करो कदे तरी नाड नीची ना होने दो आधी चिंता तो तेरी बातन दूर कर दी आधी बात धीरे धीरे हो जाएगी मैं तो चाहूंगा नु कि तुम कदे चिंता में रहो ही ना अपने घर में सुख शांति रहे बस और अपा ना करना भी कैसा अपने उड़ते कोई कि मैं करे जाओ दूसरा तो मतलब है कुन रखना तने बेरा बाबू तेरा कितनी बार भूखा रह जाए है बेचारा मेरे तो बताओ को नहीं ना किसी ने कि मैं कहो है कदे घर ने कलेश हो जाए कदे खा ले है कदे ना खाओ है कपड़े है 3-3 दिन वे पैर रखा है ये हालात हो रहे हैं तुमने एक बात बेरा है ये सियाने आदमी के काम होया करे हर वे बात तने नू सोच के को नहीं बतावे कि मरे घर में कलेश ना हुआ पर हूँ नन्नू को नहीं बेरा होता कि कलेश तो होना है तो अगले खुद कर लेंगे तारे बात बताया तो को नहीं होता और कि मैं बात दब है दब प्रिया इसी बना दी ना तो के बेरा सरों में उसकी बात तारे आगे खुल जावाए तो वह थोड़ी घनी शर्म करने लग जावे पर कोई बात को ना के बेरा मन ने देख के वह भी बदल जा हाँ तने के सामान की जरूरत हो रुपये देने की जरूरत हो तो मैंने बताइए वहाँ दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा और तेरे तमन जो बताई है बस ये दिक्कत तू ना दी फिर तुम नहीं बताऊंगी और बतान भी किस तरह जाओगे कहने का मतलब कोई बात हो भी जा करना है तो मेरे तो आगे बोल दी उनका आगे जाओ ना करिए ठीक सा तुम बेचिंता होकर अपने काम पर ध्यान दो मेरी ओर से तुमने कदे कोई शिकायत नहीं आओगी चल ठीक से मैं जाऊंगी मैं ठीक सा बना ली रोटी पानी कोना नहीं से आओगे और जाओ खेत का नहीं आ जा जल्दी आधा घंटा लगेगा तुम बताओ बना लेते रोटी कितने में रोटी बना दो ठीक है चाणा के जमाना खराब आ गया
ये अक्से वाली बहू बाज बाज सारा काम करया कर दी। नहीं नहीं आई जी दे और आज मैं भली चाह बना दे बेटी गुट। क्यों आप वाली तो बहू सुहा रखी है ताई जी, मैं चाह बना दी हूँ, मैं नौकरानी को नहीं क्या उसने कह देवा बना देगी। चला पट गया भी है? दो दिन बयान हुए है ना, अरे ये खेल खेलने लग गई पता है को सुतिया तो उसकी भी कि मैं लागदार आ गई ऊपरला पाट। गजब हो गया बिचोला आदमी का था, बहुत बढ़िया है संस्कारी है भाई, कौर पाल रिश्ता ले ले इतनी जीप का डांडे घर वाले के आंडे सेना मन तो लागा ये छोरे की मैं गौर कौन कर दे बात तक, मेरे माँ बापा की नू सेवा करनी है, ये चाचे ताऊ है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी ताई है, कोई मतबल को नहीं बड़का ध्यान कौन दे रहे की मैं। तेरी आंत बढ़िया नाम कमा रखा था अपने, कुछ दिन तो करी है सेवा, एक आधी पे बालक नाट भी जाया करे। श्याणी मैं समझ गया तेरे समझ में कौन आई, इन दोनों बहुआ की मिली भगत से, अरे सोचा हम दोनों झगड़ा करेंगे ना तो हमने जल्दी नारा कर देंगे। हाँ सियाणा ठीक कहो हो, बहुआ की के कहो हो आप, मन तो दिखा इन छोरा का भीतर में भी काला सा कि हम दोनों भाई न्यारे हो जाए वहाँ ठीक। और कोई बात ना भाई माँ, ये बात खत्म होंगी ख्याल में, ये मार पला की द्वार आपको भाई किसी बात करो हो थार पे ये लुगाई बस की कोनी तो क्या बात होगी, मैं थी अपन बस की अक्षय तो क्या था वाजे उसने बताइए ना फिर ले भाई पहले भी आगे बनो करवा लियो काम। बेटा इतनी सफाई ना था रे उस दिन तेरा आगे टसकू थी और तेरा सांस नहीं बिगड़िया और वो चार बात फिर भी कह गया और कोई बात कोनी उसने आ जान दे उसकी भी ले लियो आई गई अगर वो नाट जाएगा कोई बात कोनी फिर मामा अपना सब्र कर लेंगे मारा तो दोनों कौन थे। ए बात हूँ माँ ये बात बनानी आसान है ठीक से इसकी भी सुन दूंगी। यो आ गया तो भाई बात यस है दोनों बहुआ तो कह के देख ली काम की गुआ कैसे होया करेगी। तेरा वाली बहू नु बोली क्यों ताई नु बता तेरा वाली बहू तो राम दा सुती मत्र खतर चाह बना दू मैं नौकर को नी वा बोली। हां मेरे विश्वास ना हुंदा भाई बोल सके है तन्ना विश्वास क्यों हुंदा भाई तेरी लुगाई है ना सीता जमा हम घर दे जब तुम आ रहे ना बकवास कर रहे हैं माँ के कोई गलतफहमी हो रही होगी ठीक से मैं देना बोलना नू तेरे भी हो रही मेरे भैया हो जाएगी दूर तेरी भी भाई अच्छे बड़े डायलॉग मारा करता भाई का नहीं तो बाबू इसी की आफत आएगी आफत भी ना आ कर रहे हैं अरे एक तो थी अरिया एक और आगी सी मेरा गच्चो शक्ति भी कौन है वाह मैं भी नहीं करता मेरा गच्चो शक्ति लेकिन क्या कर रहा तेरा गच्चो क्या करती कोई ना भाई तेरा आफत कौन है भाई पूरा पार्ट टूट गया मैंने मेरा वाली पर उम्मीद कौन थी जितनी तेरा वाली पति गरम मां मैंने कहते बोलती ना सुनी बा बकवास करे बिना बात की इब सुन लिए जा इब सुन ले भीतर सुन ले तेरा वाली बोलना से लिखड़ा मैं कर तो इब गिन ले नोट क्यों जोर पड़ रहा काम करती का जोकर तेरा जोर पड़ा करता नौकरानी छोड़ ले क्या रही है तू मने तो अपने का तो कर कम तक कम है वो तो आराम तक कर ले अपने का करू है हूं तू अपने का को ना करती मेरे पे करवा है ज्यादा चिल्ला के बात ना करे समझ गई गलत ना बोलती कि मैं सही करने लग रही हूं तो बात ना हो रही अपनी गलती को दिखाना दूसरा बेटा कर लाग जे है तो किन बात ही बताओगी बात क्यों हुई है बात क्यों हुई थी अब अपना काम भी होनी पड़े इस पे बुढ़िया के बात से क्यों कड़ा मजा रखी दोनों ने बाबू मन ने कोई कलेश ना मचा रखा समझ गए ना सारा कलेश मन ने मचा रखा और भाभी बात भी होगी या बता दी या क्यों बताओगी मैं बताऊंगी पहला तो बापू का काम करते जोर पड़ा करता इव अपने का भी कौन होता इस पे रुक तो जाए मेरे सारे खड़े देख ले डट जाए क्या बर क्या रखे मना जैसा होना काम सा कर लिया कर लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करिए तो मन तो दो साल करया भी है इसका एक दिन में जोर पड़ गया के क्यों माथा मार अच्छा किए कही थी या चा बनाओ थी काका की तुमने कही थी दो कप फालतू बना रोज करे काम है कौन सा काम करे है रोज सारे काम करे है यार इतनी मेहनत ना लेतरा शामी बोल मैं टाट टाट के तो काम कौन करती वा टाइम बुला नाती कौन दिख रही तने तो तू बोलेगी तो बोलेगी अगली वाह भाई वाह उस दिन भी जा भी बोले थी मां शामी जब कौन बोला तू माँ बोल दिया बोल लगी हाँ तो यार भाई बड्डी हमारे बराबर इसका तो ठीक है तो नहीं तू कौन लुआया गुलाम है या बोलना इतना सा नहीं है जायज में मेरे लिए हूँ जायज में ले मेरे मुंह का चेप्पी लगा दे कति बोलने की टाल कर दूँ ना बे बे मैं तो कौन चेप्पी लगाऊँ मैं तो चाहूँ तू कुछ नहीं बोले ताकि इसका मुंह बंद हो तो रुक जा कम से कम बेटा आज हम पराए हो गए ताऊ जो पराए बात कौन सी है जायज बात भी ना कहा अगली माँ ठीक कह करती ना मैं इनका ना करवा मेरे पे माँ
कल इनकी बनड़ी आओगी ना एक दिन भी कौन करके देगी सुन ले अब रहन दे अगली ना दिखाओ अभी क्या बात मेरा तो यार करेगी बेटी ना मेरा तो बेटी मेरी ये करेगी तने तो कर दिए पूत के पैर तो पालने तन्ने इतनी मेर क्यों आन लगी मैं सुन नंदी बात है फिर करवा लिए ताई मैं के ना या वो बलड़ी सही भी इसने भी तो ढूंढू जड़ता दिखे है कितना प्रथा होगा दोबारा थारे शर्म ले आज कुछ भी कौन है चाला पड़ दिया तुमने तो किस चीज की शर्म नहीं करते कौन खड़े है छोटा रे बड़ा बाबू आगे तो इनका मतलब है ना राखियो बात खत्म बस मत राखियो कर दियो फिर मतलब रखने की नो ए कोनी सुसरा खड़े है सग जेठ खड़े है मां डट जाए बे काम धंधा का पुंजड़ में तेरे का तो बोल बोलना बंद कर ना काम करेगी वो बंद करवा देगा बेटा तेरा कहना तो है ना नु कोनी बात बने बाबू इतकी बार मेरी कोई गलती ना थी मन सिर्फ नु कही थी चा बनाने लाग रही है तो दो कप फालतू बना ले मां बाबू के भी के जोर पड़ गया इसको नु बताओ थोड़ा दूध बत्ती घेर देर तो गन्ना बड़े है ना भाई कुंडू रहा बाबू रहने दे जा इन दकना को पता कोनी बैठ के बतलावांगे बतला लिए मां तार पे की मैं हो ना तो कर लिया करो मानू बता दे मन्ना कौन करया के वो बता दे तू कर ले दोनों जनी वो आपका कर लेगी तू तेरा कर ले ठीक से मां बस कटी रा दे ठीक से सुख शांति से तो रहूंगी ठीक रे करना चाहूं अपने कपड़े लत्ते भी पैक ना करू के तेरी तेड़ जंगलात में रह दे के गणना दो घर कोनी हो जंगलात भी बुंडा है यो घर घर का एकरा के इसने जड़ा आदमी सुख शांति तक एक मिनट भी ना रह सके सुख शांति भंग किसने कर रखी है वो भी देख ले मन्ना कर रखी है जब पे तो लिकड़ के जा रही हूं लिकड़ा तो जाएगी उड़ा ले करे भंग जाके कोई बात ना वे मेरे मां बाप हैं बर्दाश्त कर लेंगे कई दिन जितना दिन होगी उतना दिन कर लेंगे वो तेरे भाई भाभी है ना ये भाभी पर खा जाएगी ना कोई बात ना खा जाएगी फोन पे लगी रहे तब तो मेरी भाभी नुकर है मेरी बाप की सेवा ना करती नुकर है मेरी भाभी नु बोल रहा जवाब दे है ये भी ताचड़ के जान के हां चढ़ गए मेरे तो चा कोई बात हूं वजल बंडा हूं छोटा बाज कौन रहा है काम तो करना पड़ेगा उड़े से लेके बाज कोई ना रहा है मैं खुद पेंडा छुटा रही हूं क्योंकि मैं सिर में भी रह के देख ली एकली भी रह के देख ली मेरे जीने ऐसा के खत्म कोनी हो सके जब खत्म हो जब काम करना सीख लेगी जबान बंद करना सीख लेगी नाइट तक तो घर में नौकर काम कर रहे थे ई भी छोटनी बहू करण लाग गई मन तो कदे काम करे कोना ए बात हूं काम कर लिया फिर जवाब दे दिया खत्म हो गई सारी चीज के फायदा काम करने का एलल्लो ने डांट ले तो काम करे पीछे रो बड़ाई भी ना मिले अच्छा तो ना सब हां चक्कर चाहिए अरे बहू तू काम तो करेगी और कौन करेगा घर का कोई बात ना तो फिर चली जाऊं बहू एक और भी अगर मैं वाह कर लेगी तेरे पर गेवा उस तो दे दियो एक ज्ञान 21 हवा करता है मेरे तो 21 है ना फिर भी मेरे तो बढ़िया किस्मत ले रही है कम से कम उसका लोग तो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं करेगा सपोर्ट है जब कहना चुप हो जाए अगली बोल लगन सांस कौन बाड़ उसका कद होगी चुप पूरा तो चुप ना होई मैंने तो ना देखी तो कौन बोल रहा है तेरे तो बोल थी उड़ा भी बॉय खड़ा होगा खड़ा तो था वो खड़ा था फिर मैंने थार बराबर कब जुबान लड़ा ली भैंस हो तो माँ बापू गैल हो है के उसकी गैल हो है तो बोलन दिया करो मैंने भी ए बताऊं जो चीज चुप रहने में है ना बोलने में कोनी एक चुप सो ना रहा उनका है मैंने समझाने के जरूरत को ना मैं 2-4 महीने को ना मनु राई ने कई साल हो गए बस तो फिर तुम सीखा के अरे करा के कि मैं कौन सीखा अरे मेरी माँ ने सात जन धंधा पीटा है वो देख के बड़ाई ले ली तो के बड़ाई ले ली बड़ाई के जरूरी है मैं सुनान दी बात है अरे चाची को नहीं थी फिर भी इस तरह रखे उन्हें कदम महसूस नहीं हुई कोई बात नहीं नांदे देख ले उतम समझ आ दिया जमा के चाहो तो इब पीछे जाऊं के मैं उरन हुए मैं न चाहूं एक तो जुबान ना बंद रहा अगर काम करना सीख ले जोर ना अपना मरा कौन काम तो मैं इनका काम कौन करूं एक तर लाख कौन करूं चाहे वो चाचा हो चाहे अक्षय और चाहे उसकी बन्नो अरे इधर तो कौन कह आगे न्यारे हो रे हुए अब अपना करना है फिर भी करना पड़ जाए क्यों न्यारे हो चाहे क्या कर दिया तो मैं पूछूं नहीं भाई थमने क्यों दिखागा कदे आगे कह दे काम की उससे पहले बाज लूं मैं अगला चला दिमाग है थोड़ा शांति करके सोच ले ठीक से नु करना बिचार दे और बचत में ना छूटा है चुप रहना पड़ेगा काम करना पड़ेगा पर माँ बाप से बेचारे 10-20 साल कितने जीवेंगे और है चुप हो गया थोड़ी उनकी सेवा कर ले तुमने भी आशीष मिला उनकी भी शांति मिल जाए आत्मा ठंडी हो जाए ठीक से बस जाओ ही बढ़ाते बस जो बोल रहा है दुश्मन जाओ ही बढ़ते क्यों अपने माँ बाप ने भी गलत हुआ बड़े काम का काम तू ना करे कह तेरे माँ बाप ने की शिकायत दिए संस्कार कम तुम का ख्याल कर ले बस मुंह ना बाज लेगी पर जासन पट्टी ले गए बेच के खा रहे मंजिता ही ए बेटा मंजिता मंजिता के है बाबू क्यों गेट में फड़न लग रहा है बेटा मैं तो रोटी आई कौन सा रोटी गाल दे बाबू रात के 10 बज रहे हैं एक मने यो है काम कोनी कि मैं रोटी टुके के लागे रहूं तुमने बेरा है हुन की बहू
सांझ के 7 बजे अपना काम निपटा कर सो भी ली होगी और मैं सारी रात डक डक करते हांडी जाऊं क्यों कति नौकर बना के छोड़ दी तुमने इस घर में। बेटा मैं के बार करकराजी था वो तेरा तौरम फड़नी है उसकी छाती में दर्द हो गया था तो उसने दिखान चला गया था डॉक्टर के बस जाते लेट हो गया था बेटा। उसकी तो छाती में दर्द हो गया था यो छाती में दर्द तेरा क्यों ना होता यो राम तन्ना को नहीं ठावे उसकी पहले हमने ठाओगा देख लिया हमारे डांगे मारी छाती नुआ फुकेगा तू। बेटा मैंने तो दो रोटियां की कही थी तू इतनी सुनाने लग रही मैंने फिर क्या खतर कही थी उनने के खाया वे जिनकी छाती में दर्द हो रहा था जरूरी थी मेरे से आगे बोलना। तो पागल हो रही है टाइम देख किस तरह चिल्लाने लग रही है के टाइम देखूं टाइम तो तुम देखो और तेरा बाप देखो कोड़ा नहीं करना बोल के एनु देख ले के गलत बोलने लग रही हूं घर में पड़न का कोई टाइम होया करे बाबू बू की बात हो गई हां खिंडा देव ढूंढ रहे बात क्यों होया थी बाबू तेरा खा मासू कुछ की कहीं बाबू तेरे कौन के थी इतने कही है बाबू रोटी खानी है तो टाइम से आया कर करना है गलत कोना कही कि मैं तो बाबू किसे टाइम भी आवे रोटी देनी पड़ेगी क्यों आवे नौकर लग रही हूं रे तो बहू है तुम्हारे की नौकर वाली कौन सी बात होती बहू हूं ना जब मैं कहने लग रही हूं दुनिया के बहू 7 बजे अपना काम करके सो ली के बात होगी कसम पड़ोसी आवाज आने लग रही है पर ना वो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है भरना भाई नुवे बात सा लेके हो गया फिर इसमें नुवे बात कौन चल रही वो दिन तू मेरे तक था ना अरे सुन दी कोनी भाई तेली बनो ता काम का कोनी ता बोलता कोनी के बात है तेले कड़े से ले गए वो सारे अरे तो वहां हूं बात करे कोई हूं के बात करे तेरे उसूल कड़े गए हुआ तुम ले बात नुकर दूं मेरे को ध्यान किस तरह ना करेगी क्या थोड़ी है रोटी कर रही बाबू ते बेरा कोनी मैं ना बेटा इसी कोई बात फिर सुन ली तो क्या खातिर बात का पतंगर बना रहे हो रे बात का नहीं हो मैं तनु का था बढ़िया आके मैं मेरा का काम ना करी मेरी बहू अच्छा तू करवांदा होंदरी बहू पे अरे तो कई धीमा भाई लुगाई किसे बस मना होंदी वो पीछे सोचे ना अपने परिवार के मां-बाप की इज्जत की तो काम करी ना कोनी करा टाइम तो देख ले के बात कर लाग रहा तू हैं और ठीक है उस टाइम के टाइम था भाई अपन बाकी टाइम देख ली और तू टाइम तो रोटी दे दी यार बाबू ने एक बात बताऊं रात में 12 बजे आओगे ना तो रोटी आज दूं ना कल दूं ने तार पे के मैं होता हूं ना वो कर क्यों कौन क्या देगा अपने गाल के खा लेगा ठेका ले रखा मैंने अच्छा तेरे ने बाबू का लगा क्यों के हो रहा बाबू का आड़पा टूट रहे है के तो की जुबान पर लगाम लगा ले मैं को उम्र का न्याग लेकर के बात ना करो लिमिट में रह जाओ आवले वाली नहीं अब थप्पड़ भी खाओगी आथ ना बिड़ा दियो थप्पड़ मेरा भी है और मारना मन ने भी आया है अगर सुने टाइम पर बाबू रोटी देगी कति को ना दूं बच्ची दे मैं को उम्र हाथ बिड़ा दिया है उठ देख रही मरवा लोगे तू क्या सोचता था भाई कूट दे पीट दे मन से किया बे मतरा और तू मेरे ख्याल जब भी सोचता था मैं कहूँगा अरे मान जाएगा भाई जाके कुट्टा पिट्टा सही हो जाएगी बहम दादरा जब भी लेकिन मन तो मेरा था ना भाई कह के समझा के हाथ जोड़ के सब त्रिया मन नहीं को ना मेरे भाई और तू ना मना के दे ले जा तेरे टांग नीचे ले जाओ जिंदगी में मना ले तो खुद तो मान नहीं लो भाई मानने की तो अपने माँ की इज्जत देखेगी वालू भाई काम करेगी ना करेगा नहीं कितना जोर लगा रही तो क्षेत्र में तेरे बाबी ने काम ना करा ठीक समान ली बात लेकिन इतनी हिम्मत ना थी कि थप्पड़ मार दे मेरे सामने बोल लू आठा दे रतन तक के सलमान डूब के मर जाना चाहिए थप्पड़ भी खा लिए उस्ताद और के लात मारी तरह ही कुलदीप बेटा भाई तू बड़ा है अरे जाकड़ा है करवा ले काम है बेटा करवाऊंगा काम है बात ना सुधार अगर बिगाड़ना है बाबू यो सब की मैं होए तारे खान रहा है ले नहीं तन्ना को देखा था सा मैंने देखा है इतना ज्ञान बाटिया रहता मटर जब ब्याह हो जाए मेरे भाई फिर बात कर लूंगा तेरे से मैं बाबू बाबू देखो ना गेट बंद कर ले अक्षय 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 अरे अक्षय क्या हो गया अक्षय क्या हो गया खून अरे के क्या खाया था ना अक्षय क्या बात होगी ये बात हो भाई अच्छा सुन तुम खा लिया खा गई मेरे छोरे ने हाथ आया से नो भी ना सोची अगी का पति है यो सैन
ना कर पाए मेरा बेटा, आपकी जिंदगी खो दी।